انا هذا لا كاع ولا بغيتي ناكل ولا بغيتي ناكل لا غاسي انا يا تادي هرب तो मैं ख़ुद बीमार था तो मैंने वो जब मैं ठीक हो गया एक चार दिन बाद तो मैंने चार्ली की वीडियो देखा। फिर मैंने ये सोचा, मैंने कहा ये चार्ली की वीडियो मैं शुरू करूं, लोगों तक मैं खुशियां पहुंचाऊं, ये कोरोना का वबा ये इनके जहनों से निकालूं। काफ़ी लोग ऐसे परेशान हुए थे, एक दूसरे से मिल नहीं पाते, घर में भी एक दूसरे से दूर रहते, तो इसलिए मैंने ये चार्ली गेट अपनाया। लोगों का तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स है, जब मैं अपने गेटअप में होता हूँ तो काफ़ी लोग खड़े होते हैं, कोई वीडियोज़ बनाते हैं, कोई तस्वीरें बनाते हैं, काफ़ी मैं थक भी जाता हूँ। तो अगर लोग मुझे अपनी तरफ से कुछ देना चाहें तो ठीक है, वो मैं ले लेता हूँ, लेकिन मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप मुझे कुछ दें। ये मैं सब कुछ अल्लाह से मैं उम्मीद रखता हूँ, अल्लाह देने वाला है। मैंने चार्ली चैप्लिन गेटअप में जो मैंने वीडियो अपलोड किया तो काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा टिकटॉक पर, वो वायरल भी हो गए। फिर दूसरा वीडियो मैंने अपलोड किया वो भी वायरल हो गया, तो काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो तकरीबन मेरे 2 महीने में 8 लाख से ऊपर मेरे फॉलोअर्स हो गए, तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मुस्तकबिल में मेरा यही इरादा है कि मैं लोगों को हंसाऊं, मैं लोगों तक खुशियां पहुंचाऊं, इनके ये गम और परेशानियों को दूर करूं, और इंशाल्लाह अगर लोगों का मेरे साथ और भी ज़्यादा रिस्पांस होगा या सपोर्ट होगा तो इंशाल्लाह मैं अपने करियर को जारी रखूंगा। एक चार्ली चैप्लिन एक लेजेंड थे, बट या ही इज़ डूइंग मतलब काफ़ी अच्छा इसका कनेक्शन है उनके साथ, काफ़ी अच्छा कनेक्शन बैठ रहा है, और अगर वर्क हार्ड इसी तरह ये करते रहें तो इंशाल्लाह वी कैन एक्सपेक्ट दैट इन फ्यूचर ये काफ़ी एक नाम बना सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। और ख़ासकर जो हालात आजकल है कोरोना की वजह से पूरी दुनिया टेंशन में टेंस है जी, तो ऐसे माहौल में इंटरटेनमेंट चाहिए, तो अभी आज जो है ना देखें रियल में हम बड़े एक्साइटेड हो गए सारे दोस्त, तो बात करने का दिल उनके साथ कर रहे, मतलब ये तो बहुत एक फ़नी करेक्टर है, वेरी नाइस।